हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और आज हम चल रहे हैं घूमने के लिए, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं चल के। और आज एक नई प्लेस पर चल रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिलहाल अभी जो है जर्नी, इस जर्नी पे हम आप लोगों को जहाँ जहाँ जाएंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे, कहाँ पे कैसे पहुँचते हैं और कैसे जाते हैं। बाकी जो प्लेसेस है उनकी वीडियो अलग से आएगी। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से दमन के लिए, दमन से फिर बस पकड़ेंगे वापी जाएंगे, और वापी से जहाँ पे जाना है वो आप लोगों को वापी में पहुँच के बताएंगे। तो जस्ट अभी वापी पे आ गए हैं, बस स्टैंड पे अभी उतरे हैं, बस आई है दमन से। और 12:30 की एक मेमो है, शायद देख लेते हैं मिल जाता है तो। अभी शायद 12:15 हो रहा है, तो 15 मिनट हैं, 20 मिनट तो मिल जाता है। तो फिर मेमो से ही निकलते हैं और पहुंचते हैं यहाँ से। एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है जहाँ पे महाभारत, रामायण और अन्य जो सीरियल हैं उनकी शूटिंग होती रहती है। तो चलते हैं, पहले पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहीं पे सीधे आपको पूरी चीज़ें जो है डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे हम चल रहे हैं। अगर आपको जो है दमन का बस स्टैंड जाना है तो ये जो ओवर ब्रिज है इसके जस्ट साइड पे ही बस स्टैंड है। और अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो आप, ये मार्केट वाली रोड है जिसपे मैं हमेशा उसी से जाता रहता हूँ, लेकिन अभी आज जल्दी है थोड़ा। तो जो ये साइड पे रोड है रेलवे के स्टेशन का, जो ट्रैक बना हुआ है इसके किनारे किनारे जहाँ पे जो है मार्केट वगैरह लगती है, इस टाइप की जो मार्केट लगती है, तो इसी रोड से चल रहा हूँ। बिकॉज हमको क्या है, उधर पे जाएंगे तो उधर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, और इधर जो है किनारे किनारे जो है पीछे वाली रोड से निकल जाएंगे जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल किनारे से ही बनी हुई है लग के। और ये मार्केट लगी हुई है जिसे लोग एक यहाँ पे वैसे नॉर्मली मार्केट है, जैसा कि क्या बोलते हैं फुटपाथ वाली, जैसे हमारे यहाँ पे कानपुर में परेड में लगती है, परेड में लगती है, या फिर जो अपना मेला लगता है ना परेड का, उधर पे लगती है। तो सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पे जो है ओवर ब्रिज के नीचे लगती है। तो जस्ट पीछे से हम आ गए हैं, चौराहा पीछे था और स्टेशन का इधर से भी रोड दिया हुआ ये वाला पीछे वाला। तो पीछे वाले रोड से जाने का एक फ़ायदा ये है कि इधर पे ट्रैफिक वगैरह नहीं रहता है, आराम से फट से पहुंच जाओ। और उधर पे जाएंगे तो उधर गाड़ियाँ ज़्यादा निकलती रहती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मेमो पकड़ना है, लेट हो रहे हैं इसके लिए। अभी क्या है, सीधे पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा तो पता ही चल गया होगा, लेकिन अभी हम आपको बता दें, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे से करीब 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है उमरगाँव। वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जो है प्लेसेस हैं वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। वहाँ पे एक जो है शूटिंग लोकेशन है जहाँ पे जो है रामायण वगैरह शूट है। तो मेरी भी काफ़ी दिली इच्छा थी काफ़ी दिनों से कि मैं भी जाऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ उस जगह पे जहाँ पे रामायण की शूटिंग हुई थी, काफ़ी लंबे समय पहले हुई थी। तो अभी भी शूटिंग होती है, राधा कृष्णा जो है देखते होंगे टीवी पे, उसकी भी शूटिंग होती है वहीं पे, अभी भी होती है 1 से 3 बजे तक। तो कोशिश करेंगे अगर शूटिंग टाइम पे पहुंच गए तो शायद आप लोगों को दिखाएं, या आगे ही आपको नेक्स्ट वीडियो पे देखने को मिल जाएगा अगर दिखाएंगे तो। और फिलहाल पहुंचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो फिलहाल वापी के जो है रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और मेमो मिल गई है, ये इधर पे खड़ी हुई है। सेकेंड टाइम है मेमो पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि मेमो थोड़ी आराम से रुक रुक के जाती है। दिखाते हैं कैसा है सफ़र, वीडियो पे बने रहिए। और ये वापी का रेलवे स्टेशन है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, दूसरा ये है और पहला उस तरफ है जिस तरफ रेलवे स्टेशन बना है। जल्दी जल्दी में मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि ट्रेन जो है बिल्कुल लगी हुई थी। और यहाँ से उमरगाँव के लिए जो है ट्रेनें निकलती रहती हैं। चार्जेस जो है अगर ऑफलाइन पे लेते हो आप तो मेमो का 30 रुपये पड़ेगा आपको, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो 10 रुपये की टिकट है। और चलते दिखाते हैं पूरा सफ़र, देखिए काफ़ी मज़ा आएगा। और मेमो का थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यू दिखा देते हैं अंदर से कैसा है। तो पूरा आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से जो है ये है व्यू। और अंदर चलने पे जो है जस्ट इसमें क्या है कि इसमें जैसे कि अगर आप जनरल या फिर वैसे सुपरफास्ट जो ट्रेन है उन पर सफ़र करते हो तो बोगी बनी रहती है, इसे पूरा का पूरा देख सकते हो, लास्ट तक देख सकते हो, तो पूरा खुला रहता है अंदर का जो पोजीशन वगैरह। अभी मैं जस्ट पीछे से हूँ और थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ सीटिंग वगैरह कैसी रहती है। कुछ इस तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से सीटें रहती हैं। फिलहाल जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है खड़े होने के लिए लोगों को, क्योंकि एक तरह से जो अपने आप पे जनरल ट्रेन समझ लो कि जनरल ट्रेन जो डेली चलती है वही है,
और खड़े होने के लिए बहुत सारे हैंडल लगे रहते हैं क्योंकि इसमें भीड़ भी होती है। फिलहाल भी कोविड की वजह से उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रह रही। यहाँ से आप देखोगे कि तो पूरा आपको दिखेगा, पूरी ट्रेन शुरू से आखिरी तक देख सकते हो। फिलहाल अभी मैं पीछे साइड पर बैठा हूँ, देखते हैं अगर इसी से हो सकेगा तो चलूँगा, क्योंकि अपने पास जो टिकट है वो सुपर फास्ट का है। और अभी क्या है, ये है मेमो पे, मेमो थोड़ा लेट चलती है, अगर सुपर फास्ट की जो टिकट है वो मिल जाती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मुंबई और पोरबंदर की ट्रेन लग चुकी है यहाँ पे, मुंबई सेंट्रल से पोरबंदर। और अभी जो टाइम हो रहा है 12:33 हो रहा है, 12:30 बजे की ट्रेन है ये, अभी चलने वाली है, तो देखते हैं क्या है, दिखाते हैं मेमो का ही सफ़र करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहता है। और पहली बार मैंने मुंबई पे किया था, मुंबई पे जब मैं गया था, शायद आप लोगों ने ब्लॉग नहीं देखे होंगे, करीब 3 साल पहले की बात है। आप अगर ओल्डेस्ट वीडियो मेरे देखते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा। फिलहाल अभी हम वापी के रेलवे स्टेशन पे थे और यहाँ से ट्रेन जो है वो चल चुकी है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो वापी रेलवे स्टेशन का व्यू देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है अभी कम भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो है सुबह और शाम लोग यहाँ पे ज़्यादा आते जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो जॉब भी बहुत सारे लोग करने ट्रेन से डेली आया करते हैं। और लोकल के लोग जो है यहाँ पे सुबह और शाम को ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो जितने भी लोग देख रहे हैं सब दूर के आने जाने वाले हैं। और यहाँ पे दमन का ये लास्ट स्टेशन है जैसा कि, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, और इसकी अपेक्षा जो है वलसाड़ में भी काफ़ी सारे लोग डेली आते जाते हैं। तो ये था कुछ इस तरह से वापी का रेलवे स्टेशन। अभी रेलवे स्टेशन के किनारे तक आ गए हैं और यहाँ पे हम जो जा रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कैसा है सिटी का व्यू। से आप कुछ बहुत देख सकते हो, कुछ इस तरह से जो है वापी सिटी दिख रहा है। और ये था रेलवे स्टेशन वापी का कुछ इस तरह से, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो है ट्रेन यहाँ से चल चुकी है और आज जो है आधा घंटा लेट है ट्रेन, देखते हैं कितने समय पर पहुँचाती, पैदल लेट पहुँचाएगी या टाइम से पहुँचाती, तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट में पता ही चल जाएगा जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचूंगा। और अब अगर हो सकता है तो देखो भी एक बार चक्कर लगा के देखा पूरा जो है ट्रेन का व्यू कैसा है, या फिर उतरते समय आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसा है ट्रेन। और वहाँ पे 1:30 बजे पहुँचाने का समय दिया हुआ है, देखते हैं कितने बजे पहुँचाती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ही 1 बज गया है, आधे घंटे में शायद नहीं पहुँचा पाएगी, क्योंकि अभी बीच में 2-3 स्टाफ भी हैं इसके, तो वहाँ पे भी जाके रुकेगी। ये जो है काफ़ी छोटे छोटे जो है स्टॉप लेके चल रही है। अभी ये करम बेल पड़ता है बिल्कुल जस्ट वहाँ से, ऐसे 5-6 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे आके रुकी हुई है और जस्ट 1 मिनट ही रुकी, बस चलती है, देख सकते हो अभी चल रही है। और अंदर को भी देख सकते हो, मेमो पे जो है मज़ा आता है सफ़र करने का, सिर्फ खड़े ही होके आता है। तो देखते हो ये है करम बेल, छोटा सा बिल्कुल जो है रेलवे स्टेशन था, यहाँ से भी रुकी थी और बहुत ही तेज स्पीड पकड़ ली है इसने। चलो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो अगला जो हमारा स्टॉप है ये है भिलाड़, ये भिलाड़ पड़ता है और यहाँ पे रुकी है, सिर्फ 1-2 मिनट का स्टॉप रहेगा जहाँ तक, क्योंकि जो है ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है। और देखते हैं ये पीछे कुछ सिटी वगैरह करने जा रहा है, वो पहाड़ी एरिया शायद आपने अभी देखा ही होगा थोड़ा जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। और छोटे छोटे जो है रेलवे स्टेशन पे रुकती है क्योंकि मेमो है, और यहाँ से भी जो है चलने वाली है, 2-4 ही मिनट रुकेगी। तो ये है भिलाड़ का छोटा सा रेलवे स्टेशन जैसा आप देख सकते हो, स्टेशन छोटा है लेकिन लोग देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे गए हैं। लोकल ट्रेन है एक तो कुछ बहुत जो है लोकल के डेली आने जाने वाले लोग हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे टैक्सीज पे लोग जाते हैं तो यहाँ पे ट्रेन से ही सफ़र करते हैं सब लोग। तो ये है भिलाड़ का छोटा सा रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से, और स्पीड देख सकते हो भाई साहब कितनी तेज़ हो गई, तुरंत चली है कि स्पीड आप देख सकते हो, तो स्पीड बहुत तेज़ है। तो ये भैया भिलाड़ निकल गया। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं संजान, ये संजान है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। वीडियो बनाते हो क्या भैया? हाँ वीडियो बनाते हैं। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं, ये संजान पड़ता है, संजान रेलवे स्टेशन पे, और भाई साहब ट्रेन की स्पीड अल्टीमेट बहुत तेज़ चल रही है, यहाँ पे 1-2 मिनट रुकी और बहुत तेज़ी से हम लोगों को जो है पहुँचा रही है। संजान के बाद सीधे जो है उमरगांव पड़ता है, तो अगला जो स्टॉप है उमरी गांव है, और हम चले थे वहाँ से 1 बजे, 1:20 हुआ है, तो 1:30 बजे के पहले ही पहुँचा देगी ऐसा लग रहा है
27 किलोमीटर था, मैंने जैसे कि बोला था कि शायद 40 किलोमीटर 45 होगा, लेकिन 27 किलोमीटर था। 40-45 किलोमीटर दमन से पड़ता है। मैंने जो मैप पे देखा था वो बाई रोड का था, बाई ट्रेन थोड़ा वापसी से पास में पड़ रहा है, 27 किलोमीटर है टोटल और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट स्टेशन है उमरगाँव, तो चलते हैं और सीधे आपको मिलते हैं उमरगाँव स्टेशन पर। तो फिलहाल हमारा जो ट्रेन है वो संजान से चलने लगा है। संजान छोटा सा ही स्टेशन था, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, और ये छोटे छोटे स्टेशन जो है काफ़ी प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे से जो है 2 मिनट या 3 मिनट रुकी थी, और यहाँ से भी जो ट्रेन है वो चल चुकी है। यहाँ से जस्ट 5 मिनट ही लगेंगे हमको जो है अगला स्टेशन जो हमारा है वहाँ पे पहुँचने पे। और ये देख सकते हो कुछ इस तरह से व्यू था, एक छोटा सा विलेज और यहाँ पे स्टेशन, ये एक ट्रेन भी आ चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह से व्यू है। थोड़ा मैं अब इसको सही से कर लेता हूँ मोबाइल को, ताकि गिरे ना, क्योंकि हवा का जो तेज है वो इतना तेज रहता है, कुछ कहीं नहीं बोल रहा हूँ। अभी 80-90 की स्पीड में जो है चल रही है, और 100 भी क्रॉस कर जाती कभी कभी, तो काफ़ी तेज़ चलती है एक तो ये ट्रेन, और दूसरी बात जो है मेमो है, मेमो यहाँ की मेमो जो है बहुत ही तेज़ चलती है। आपने अगर सफ़र नहीं किया है तो नहीं पता है, लेकिन जो लोग मुंबई मुंबई का सफ़र किए हैं उनको पता होगा कि मेमो का कैसा है। और सामने देख सकते हो कितना अच्छा प्लेस दिख रहा है जो इंडस्ट्रियल एरिया का है, और यहाँ पर ये नदी देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। और ये देख सकते हो काफ़ी लंबी जो है नदी है, और काफ़ी खूबसूरत इंडस्ट्रियल एरिया का व्यू दिख रहा है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है सांजार का, और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को चलो थोड़ा बहुत व्यू वगैरह दिखा देते हैं, ताकि कुछ बहुत जो है देखने को तो मिले आप लोगों को। और कुछ इस तरह से जो है हम जो है सफ़र कर रहे हैं अपना वापी से उमरगाँव तक। उमरगाँव रोड पड़ता है, वहीं तक जाएगी ट्रेन, और वहाँ से फिर हमको जो है टिकट लेना पड़ेगा टैक्सी का। ये आप देख सकते हो एक ट्रेन और आ चुकी है फिलहाल, कुछ इस तरह से कितनी तेज़ी से आई थी अभी आपने देखा ही है, और ये निकल गई है। एक मिनट भी नहीं लगा पूरी ट्रेन की जो है चली गई ऐसे ही। फाइनली हम आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन उमरगाँव में, कुछ इस तरह से जो है ट्रेन आ चुकी है उमरगाँव पे। तो फटाफट से उतरते हैं और आपको नीचे का लोकेशन दिखाते हैं कैसा है। तो फिलहाल अभी हम उमरगाँव पे आ चुके हैं, उमरगाँव का ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह से, और अभी हमको जो है यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा दूसरी साइड से। ऊपर से थोड़ा व्यू वगैरह आप लोगों को दिखा देंगे कि उमरगाँव का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, और यहीं पे चल रहा है आज का ब्लॉग, काफ़ी मस्त होने वाला है। और उमरगाँव का रेलवे स्टेशन थोड़ा बाहर से भी आपको दिखा देंगे, ये देखते हो कुछ इस तरह से है, मेमो है। तो भाई साहब स्पीड की बात करें तो स्पीड में यहाँ पर लगा दूँगा, आप लोग जो है देख लीजिएगा स्पीड कितनी है, 90 से ऊपर ही चल रही, आधा घंटा में हमको जो है वापस यहाँ पे पहुँचा दिया। तो ये है पूरा उमरगाँव का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हम आ चुके हैं उमरगाँव पे। यहाँ से 20 पे जाने के लिए अभी मैंने पूछा एक भाई से 15-20 रुपए लगते हैं सर, और आपको जो है यहाँ से जो है ट्रेन पहुँचा देगा वहाँ पर। तो भाई साहब ये मेमो है, देख रहे हो ये मेमो इधर पर खड़ी हुई है, और बहुत स्पीड से आई है। और यहाँ पे काफ़ी प्लेसेस हैं, और भी शायद बीच वगैरह पे भी चलेंगे तो वो आप लोगों को अदर्स वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बस यही स्टेशन ही तक रखेंगे, और काफ़ी लंबा बड़ा वीडियो हो जाएगा यही, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो फिर बना देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।